तो सबसे पहले ले लेंगे एक नुकीला रॉड, इसको हमने गर्म किया है और एक हम जार लिए हैं प्लास्टिक का और लाइन से होल करते चल रहे हैं। रॉड को गर्म करके होल करने से बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम ए वांडरिंग जीव का छोटा छोटा टुकड़ा सभी तरफ लगा रहे हैं। एक लाइन डालने के बाद हम मिट्टी डाल रहे हैं, फिर दूसरा लाइन में हम लगाएं, फिर मिट्टी डाल रहे हैं, ऐसा करते करते हम उसमें सॉइल मिक्स डाल रहे हैं। और सॉइल मिक्स में कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें गार्डन का सॉइल है, रेत है और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सामने कोकोपीट मिलाया है, बस इतना ही मात्रा है। और उसके बाद हम इसको हैंग किए हैं, हैंग करने के बाद पर्याप्त मात्रा में हमने पानी डाला है इसमें। और उसके बाद हम 10 दिन का अपडेट दिखाएंगे दोस्तों आपको। 10 ये जो आप देख रहे हैं 10 दिन का अपडेट है। 10 दिन के बाद हमारा वांडरिंग जीव ऐसा दिखना चालू कर दिया है, बहुत ही सुंदर। आप भी अपने घर में वांडरिंग जीव के लिए ऐसा हैंगिंग बास्केट तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।